अलावा कोतवाली क्षेत्र में कस्बे के चौराहे पर हरदोई कानपुर मार्ग पर नगर पालिका अध्यक्ष समर्थक व भाजपा कार्यकर्ताओं में विवाद। गोली लगने से एक युवक घायल, कई गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। सूचना पर कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे एसपी एसएसपी सीओ ने 25 लोगों को लिया हिरासत में। कई नाजायज असले बरामद। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। झगड़ा हो रहा है वहाँ पे, जो पक्ष में आपस में सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची, वहाँ फायरिंग की भी सूचना थी। मौके पर पुलिस ने पहुँच करके पुलिस को डिस्पर्स कराया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया, घर की तलाशी ली गई, उसके अंदर से कुछ चलाए गए वेपन और बरामद हुई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, वाशाती पुलिस की आशंका में, और एक पक्ष से तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें बताया गया है कि एक अंकित नाम का व्यक्ति जिसे गणपा डिग्री है, उसका इलाज सीएससी में करा करके उसको रेफर किया गया है। डॉक्टर से पूछने पर उसकी हालत सही बताई गई, खतरे के बाहर बताई गई है, और इसके अलावा जो और लोगों को भी बताया गया है कि उन्हें छोटे हैं, तहरीर लिख करके मुकदमा कायम करके उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैयार कर लगा दिया गया है ताकि फर्दर कोई इस तरह का इंसिडेंस ना हो पाए और लगातार चल रही है। एक तरफ चेयरमैन जो यहाँ के हैं उनका कहना यह है कि उनके ऊपर यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनके लोगों ने उनके घर पर अटैक किया, इसके जवाब में इनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स फायरिंग से और पत्थरबाजी से दिया गया। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और तहरीर प्राप्त करने में आवश्यक कार्रवाई। सर, कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है बलदेव में और क्या? अभी मौके से कुल 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उसमें से जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें कुछ नामजद लोग ही हैं। पूरे मामले की जांच करके और इसमें जो भी प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई कराई जाएगी ताकि भविष्य में इसकी पुनर्प्राप्ति ना हो।